ਸ਼ਕਲ ਦੋਸਤੋ ਸੇਂਟ ਸੋਲ ਦੇ ਟਾਈਮਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੋਮਲ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਂਟ ਸੋਲ ਦੇ ਡਿਵਾਈਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੈਪੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।
इज्जत सबकी किस्मत सबकी दौलत सबकी मेहनत सबकी हिम्मत सबकी ताकत सबकी इज्जत सबकी किस्मत शूल पीछे अग्नि चांद सरोशन चेहरा
आपके फॉलोअर्स और लाइक्स कितने कम हो रहे हैं? मेरे फॉलोअर्स और लाइक कम हो रहे हैं, पर ऐसा क्यों? मैम, जो आपकी कंपटीटर है उसके लुक और उसका ग्लो क्या कमाल का है, और आपके लुक और आपका ग्लो कितना डल हो रहा है। एक्सक्यूज मी, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? दी शनाया कपूर से। और बाय द वे, तुम मेरी से गिर रही होगी उसकी? मैम आपकी, एनीवेज मैं ग्लो लाने के लिए फिर क्या करूं? मैम ये देखो। ये क्या है? मैम आपके प्रॉब्लम का सलूशन। लगा दो फिर। आउच, इट्स पेनिंग। मैम ब्यूटी, ब्यूटी इज पेन, ग्लो ग्लो। पर मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। नो मैम, ग्लो ग्लो। ट्रिंग ट्रिंग। ओ हाय मॉम, आपको पता है आज? छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने मेरे अकाउंट में पैसे क्यों नहीं डाले? हमें स्विट्जरलैंड जाना है। ओ सॉरी मॉम। ये सब छोड़ो, ओके गुड, आप वेट कर देते हैं। ओ नो, मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ के साथ? ना पेरेंट्स का सपोर्ट है, ना फैमिली है, ना फ्रेंड्स है, और अगर है भी तो बस ये सोशल मीडिया दिखावा। आई जस्ट हेट माय लाइफ। वाओ यार, क्या लाइफ है शनाया कपूर की। लाइक नेम, फेम और पैसा सब कुछ है इसके पास, और एक मेरी लाइफ है सुबह जल्दी उठो, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, खाना खाओ और सो जाओ। ये भी कोई लाइफ है? लाइफ हो तो दी शनाया कपूर के जैसी, मुझे भी ना ऐसी लाइफ चाहिए। कितना प्यार करती हैं, तो दर्शकों नीचे कमेंट में हाँ और ना कीजिए।
वाह मेरे देशवासियों वाह, क्या कहना हमारे देश की जनता और उनके पत्रकारों का। कहा है एक तरफ कविता, एक ऐसी महिला जिसने अपने उसी पति को छोड़ दिया जिसने उसे पढ़ाया लिखाया एसडीएम बनाया। ये कौन से संस्कार है हमारे, ये कैसी संस्कृति है। और दूसरी तरफ सपना, एक ऐसी महिला जो अपने चार बच्चों के साथ गैर कानूनी तरीके से आई हमारे देश, उसे की इतना सम्मान मिल रहा है और क्यों कविता को इतना अपमान। और कहा इक्वालिटी, इक्वालिटी चिल्लाने वाले लोग। सच तो ये है मेरे देशवासियों कि इक्वालिटी जैसे शब्द पर शब्द बनकर रह गए हैं, जिन्हें लोग चंद लाइक्स और कमेंट्स के लिए सोशल मीडिया पर यूज कर लेते हैं। इन्हें हमें सच में भी अपनाना होगा, वरना हमारा देश बच नहीं पाएगा। भाइयों भाइयों, तुम्हें पता है यहाँ पर चोरी हो चुकी है, चोर खुलेआम घूम रहा है। किस चीज की हुई चोरी? डायमंड की चोरी हो चुकी है, ढूंढो चोरों को ढूंढो। अरे हाँ हाँ, यही है वो लोग, मैंने इन्हीं को चोरी करते हुए देखा था। तुम किस शख्स से कह सकते हो कि चोरी हमने की है? चलो इनकी तलाशी ली जाए। तुम किस शख्स से हमारी तलाशी ले सकते हो? रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं, पुलिस ने चोरों को साथ ले लिया। ये देखो, हमने कोई चोरी नहीं की। इनके पर्स को छोड़ो, इनके कपड़े उतार के इनकी तलाशी लो। क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? अरे यहाँ पर डायमंड्स की चोरी हो चुकी है। क्या, डायमंड्स की चोरी? अच्छा तो अब हमें क्या करना चाहिए? इनकी तलाशी लेनी चाहिए। भाइयों भाइयों, मैंने सुना यहाँ पर चोरी हो गई है। किस चीज की चोरी हुई है? डायमंड्स की चोरी। क्या डायमंड्स की चोरी? फिर तो हम इनकी तलाशी लेनी चाहिए। भाइयों लो इनकी तलाशी। हाँ हाँ भाइयों, इनके कपड़े उतार के इनकी तलाशी लेनी चाहिए। चलो चलो। विनोदिनी नंदन
अंधकार भी मैं, मार्ग में लक्ष्य भी मैं, मोह में त्याग भी मैं, कण भी मैं, ब्रह्मांड भी मैं, अंत भी मैं, आरंभ मैं, गौरी मैं, काली मैं,
सेलिब्रेट करने के लिए. यस दिस इज ट्रू. ऑल ऑफ यू पीपल नो दैट वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947. आज से कितने साल पहले? 76 years back, but this is the 77th year. So I must say that our India is 77 year young mother. Am I right? कि जो हमारी हम अपनी कंट्री को अपनी भारत को अपनी इंडिया को अपनी मदर की तरह मानते हैं ना, तो जब कोई इंसान 77 years का हो जाता है तो we used to say this thing कि हाँ बुजुर्ग हो गया है, बड़ा हो गया है, ठीक है. बट मेरे ख्याल से आज हमारा इंडिया 77 years यंग हो जाएगा. इफ यू पीपल हैव सीन द स्किट, अगर आप लोगों ने ढंग से स्किट को देखा है, देयर वॉज अ टाइम वेन वी ऑल पीपल वर इन द शैकल्स ऑफ ब्रिटिशर्स. हमें ब्रिटिशर्स ने अपना गुलाम बना रखा था. वॉज इट करेक्ट? हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे. अगर मैं आज की बात करूं तो आज हम किसके गुलाम है? 1 to 5, ग्रेट 1 to 5. यस, मुझे लगता है सबसे ज्यादा यही गुलाम होगा जो बोल रहा है सोशल मीडिया. यस दिस इज ट्रू. आज के टाइम में हम लोग सोशल मीडिया के वाकई बहुत ज्यादा बुरे तरीके से स्लेव बन चुके हैं. एक नोटिफिकेशन की बेल बजती है हमारे मोबाइल पे, एंड जितने भर दुनिया भर के हम लोग इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, वी विल लीव एवरीथिंग एंड विल जस्ट चेक आवर मोबाइल फोन, जैसे पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया होता है. आज के टाइम में आपके लिए जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन स्टूडेंट लाइफ दैट यू हैव टू स्टडी हार्ड सो दैट यू कैन रीच योर डेस्टिनेशन. लेकिन हम लोग सोशल मीडिया के इतने बड़े गुलाम बन चुके हैं कि हमें पढ़ाई अपनी कहीं पर भी नजर आती ही नहीं है. सो अगर हम लोग ब्रिटिशर्स की गुलामी से, उनके तशद्दुद से अपने आप को छुड़ा सकते हैं, देन व्हाई नॉट दिस वेपन. ये मोबाइल नाम का वेपन जो आप लोग हर वक्त अपने साथ लिए घूमते हैं ना, काइंडली इससे अपने आप को आजाद करवाइए एंड टेक अ प्लेज दैट यस मोबाइल नाउ अ डेज इट्स अ नेसेसिटी. आज की जरूरत है, लेकिन हमें उसे उतना ही इस्तेमाल करना है कि हम उसके जो है वो गुलाम ना बन सके, उसके स्लेव ना बन सके. सो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू से दिस थिंग दैट विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द स्कूल स्टाफ मेंबर्स एंड मैनेजमेंट. मे गॉड ब्लेस अस ऑल. और इसी तरीके से हमारा भारत जो है वो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करता रहे. और अगर हम लोग आज फंक्शन की बात करें, एज आई टोल्ड ऑल द हाउस मास्टर्स दैट इट विल बी अ यूनिक काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन. और ये कॉम्पिटिशन इस बेस पे था कि कितना ज्यादा हम लोग उस चीज के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं और कितना ज्यादा हम इंजॉय कर रहे हैं. सो सबसे ज्यादा इंजॉय आपको कौन सी आइटम देख के आया? वॉज इट गिद्दा? वॉज इट भंगड़ा? वॉज इट स्किट? और वॉज इट सॉन्ग? ओके, आई आस्क फ्रॉम ऑल ऑफ यू, स्किट देखे कितने लोगों को मजा है? विद योर वॉइस. एंड वॉट अबाउट सॉन्ग? नो. ओके, वॉट अबाउट भंगड़ा? बस इतना ही. एंड वॉट अबाउट गिद्दा? एब्सोल्युटली गिद्दा वॉज माइंड ब्लोइंग, लेकिन थोड़ा और अच्छा हो सकता था. सो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आज का आपका जज मैं ही थी अकेली, सो गिद्दा विल बी ऑन फर्स्ट पोजिशन. भंगड़ा जो कि कोमल मैम और प्रियंका मैम ने एंड में डांट खा खा के उसको बहुत अच्छा प्रेजेंट किया विद इन जस्ट 2 days, ऑन सेकेंड पोजिशन. एंड स्किट वॉज डेफिनेटली गुड, लेकिन उसका सिर्फ लास्ट जो था उसने आपकी स्किट को उठाया, दैट्स व्हाई इट इज ऑन थर्ड पोजीशन. अदरवाइज स्किट आपका जो है वो डाउन जा रहा था.
सिर्फ आपका लास्ट एक जो वो काली माता एंड जो डांस आप लोगों ने एंड में किया, इट वाज माइंड ब्लोइंग, इट गिव्स मी गूज़बम्स, ये बहुत अच्छा था. सो दैट्स व्हाई इट्स ऑन थर्ड एंड म्यूजिक बेटर लक नेक्स्ट टाइम मैम. इट वाज नॉट एट ऑल ऑफ योर स्टैंडर्ड, इट वाज नॉट एट ऑल ऑफ योर स्टैंडर्ड. सो शैल वी स्टार्ट विद द नेशनल एंथम. So I'll hand over the mic to the students and once again wishing you a very very happy Independence Day and I hope all of you will show patience once again. After that we'll have our national anthem and we will proceed to our classes.
गुड मॉर्निंग मैम। की नाम है जी थोड़ा? रोशन भारद्वाज, वाइस हेड बॉय ऑफ दिस सेंट सोल्जर स्कूल। ओके, सेंट सोल्जर स्कूल दे स्टूडेंट्स साडे नाल खड़े ने ते बहुत ही खास परफॉर्मेंस कीती है। जड़ी परफॉर्मेंस कीती है ओदे बारे पूछना चाहवांगे। मैम सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारी ऐसी स्किट थी जो रिसेंटली ही घटनाएं जो हुई हैं यहाँ पे सीमा हैदर के बारे में, देन उसके बाद मणिपुर में जो बहुत केस हुआ जी। हमें आई डोंट थिंक सो मुझे बताने की ज़रूरत है क्या हुआ और वो क्यों हुआ, ये हमारे लिए भी शर्म की बात है। एंड इवन उसके बाद हम हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट और कई तरह के धरने देते हैं, भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ, ये बचाओ, वो बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो पढ़ेगी कैसे जब तक वो बढ़ेगी नहीं। आज के टाइम में हम बोलते हैं इक्वालिटी, इक्वालिटी कहीं नहीं है, ये सिर्फ किताबी बातें रह गई हैं। हमने स्किट इसलिए हर साल हम प्रस्तुत करते हैं ताकि कुछ ना कुछ नया सीखे इंसान। इस बार हमने स्किट पेश किया वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो मणिपुर में केस हुआ, हम उसके लिए हमें भी खेद है। एंड उसके बाद हम यही चाहेंगे इस स्किट के थ्रू कि सब लोग समझें, एक तरफ आप मंदिर में देवी की मूर्ति को रेशमी कपड़े पहना रहे हैं और उसी देवी के स्वरूप के कपड़े चौराहे पे उतारे जा रहे हैं, काहे की पूजा, किस चीज़ की पूजा। इक्वालिटी की बात में मैं दोनों का साथ देता हूँ। आज लड़की अगर लड़के का काम करे तो भाई हमारे घर का बेटा है, अगर लड़का वही लड़की का काम करे तो माँ बाप ये क्यों नहीं कहते कि वो हमारे घर की बेटी है, नहीं, क्यों, उसे मर्दानगी खतरे में पड़ जाएगी। अगर इस मर्दानगी को इतनी सी चीज़ों के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए, आई एम अ क्लासिकल डांसर, मैंने बहुत जगह परफॉर्म्स किए, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, कभी ये नहीं कहा यू आर मेल फीमेल गे ट्रांस एंड ऑल दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स कभी यूज़ नहीं हुए मेरे लिए, तभी मुझे सेंस सोल्जर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और यहाँ से ऊपर उठाया है। सो उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच, और बेटे को भी सपोर्ट करें और बेटी को भी सपोर्ट करें, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, और should I say a very happy independent good morning to one and all. As we all know that we are celebrating our 77th Independence Day. If we go back 77 years, so we'll come to know that we were under the slaves of Britishers, we were under the shackles of the Britishers. Yes, we are independent now, but still there are so many shackles which are binding us. And the most important shackle nowadays is social media. I'm not saying this thing that social media is not at all good. It is very important. It is very successful nowadays also. People are earning a lot from there. But excess of everything is very bad. So I just want to give one message on this 77th Independence Day from the family of Saint Soldier Divine Public School main branch, from the staff members and from the management, that we should not use the internet or social media so much. Yes, as I told you earlier, excess of everything is bad. Har ek cheez jab hum ek limit mein istemal karte hain to definitely uska hame fayda hota hai. Agar hum koi मेडिसिन भी ज़रूरत से ज़्यादा खा लें तो वो हमारे शरीर में जाकर के जो है वो नुकसान ही करती है, चाहे वो हमारे शरीर के लिए अच्छी ही क्यों ना हो। इसी तरीके से सोशल मीडिया आज एक ऐसा नशा बन चुका है जो हर यूथ को जो है वो ख़राब कर रहा है। देर आर फ्यू पीपल दोज़ हू आर यूजिंग इट इन अ वेरी लिमिटेड मैनर्स, दे आर अर्निंग वेरी हैंडफुल और हैंडसम सैलरी फ्रॉम इट ऑल्सो, बट मोस्ट ऑफ द यूथ इज़ ब्लाइंड, वो इसके चलते हुए जो है वो अंधे हो चुके हुए हैं। तो आज के दिन में मेरे परिवार की तरफ से, मेरे सीन सोल्जर फैमिली की तरफ से, उनकी मैनेजमेंट की तरफ से यही संदेश है कि हमें अपने यूथ को आज जो है वो सोशल मीडिया के चक्रों से, चंगुल से आज़ाद करवाना है। एंड वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। तो आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। बने रहिए सेंट सोल्जर टाइम्स में फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर।